आप में से कितनों ने इंश्योरेंस कराई हुई है? कौन सी इंश्योरेंस कराई हुई है? कितनों ने एंडोमेंट वाली कराई हुई है? कितनों को, तो एक मिनट, जिन्होंने इंश्योरेंस कराई हुई है कितनों को पता ही नहीं उन्होंने कौन सी कराई हुई है? करो हाथ ऊपर करो। अरे वाह वाह जी वाह। कितने हैं जिन्होंने एंडोमेंट कराई हुई है? एंडोमेंट पता है क्या होती है? कि आपने हर साल का इतना एक एक्स अमाउंट दिया, मानो 20-30 हज़ार रुपये दिया, और 10 साल बाद 20 साल बाद आपको इतने लाख रुपए मिल जाएगा, उसको एंडोमेंट बोलो। हाँ वही कराइए सर। क्या सर एंडोमेंट पेंडोमेंट बोलते हैं? सीधी बात करो ना। इंश्योरेंस का मतलब लोग यही समझते हैं इंडिया में कि हर साल का इतना पैसा जाना है, इतना प्रीमियम जाएगा, 20,000, 30,000, 40,000, और 20 साल बाद आपको इतने लाख रुपए मिल जाएगा, मान लो 20 लाख रुपए मिल जाएगा, जो सुनने में बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, बेवकूफों वाला स्टेप है ये। कितनों ने टर्म इंश्योरेंस कराई हुई है? आर्डली 3 या 4 या 5 लोग। कमाल जी कमाल। देख लो कितना बड़ा ब्लंडर है ये अभी आप सपने में भी नहीं सोच सकते, और ये आपको कोई नहीं बताएगा, ना कोई बैंक वाले बताएंगे, ना कोई इंश्योरेंस एजेंट बताएगा, ना आपका कोई दोस्त बताएगा, क्योंकि जब पैसा बीच में आ जाता है तो यारी दोस्ती सिर्फ नाम की होती है। दारू पी रहे हो, ओ तुम मेरा भाई है, मैं तेरे साथ में कभी कुछ गलत नहीं कर सकता, ले तू एंडोमेंट करा, ओ तू मेरे पे छोड़ दे यार, और आपको पता ही नहीं आपका कितना बुरी तरीके से कटा है। तो अब ध्यान से समझना, ये जो टर्म इंश्योरेंस है ये आपको कराने के लिए कोई नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो इंश्योरेंस एजेंट है उसको पैसा ना के बराबर मिलेगा। जो एंडोमेंट प्लान्स होते हैं, जो यूलिप्स होते हैं, उसमें उनको अच्छा खासा कमीशन मिलता है, कुछ केसेस में 30% तक भी मिलता है। अगर आपने मानो 20,000 की इंश्योरेंस कराई तो 30% कट गया आपका? आपका कट नहीं गया है, पैसा आपका कट गया है, 6,000 रुपये गया। अगर 6,000 रुपये वैसे कहीं पे खो जाते हैं या नहीं मिलते हैं या कोई लेकर के आपसे भाग जाता है, कितने दिन तक टेंशन रहती है? मजे की बात क्या है, आपको पता ही नहीं है कि आपके साथ क्या हुआ है। ये जो टर्म इंश्योरेंस होती है इसमें ना के बराबर कटता है। इसमें बस एक पॉइंट होता है जिसको सुनते ही आप लोगों को झटका लगेगा, जिनका कन्वेंशनल माइंडसेट है। टर्म इंश्योरेंस क्या होती है कि आप इतना पैसा देते रहो, मानो आपने 10 साल दिया, 20 साल दिया, 30 साल दिया, 30 साल बाद आपको 1 रुपए भी वापस नहीं आएगा। ओ सर ये क्या सर, वापस नहीं आएगा तो फायदा क्या है? इंश्योरेंस किस लिए होती है? किस लिए होती है? कि कल को आपको कुछ हो जाए। ये बेसिक सी बातें बता रहा हूं आपको, ये नहीं पता है लोगों को। अभी देख लो कितनों ने हाथ उठाया था। बेसिक सी बात समझो, इंश्योरेंस का जो मतलब होता है वो होता है कि अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी फैमिली को इतना पैसा मिल जाए कि उनको टेंशन ना हो। मान लो आप अर्निंग मेंबर हो फैमिली में, आप महीने का मान लो 30,000 कमा रहे हो, 40,000 कमा रहे हो, तो इंश्योरेंस का मतलब क्या है कि अगर आपको कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली को इतना पैसा मिलना चाहिए कि उनके पास 40-50 हज़ार रुपये आता रहे। ये जो पॉलिसीज होती हैं, एंडोमेंट, यूलिप और ये सब जितनी भी होती हैं, इसमें कवर बहुत कम होता है। कवर का मतलब समझते हैं हम? कवर मतलब लाइफ कवर, जितने की कवरेज हुई है। कि अगर आप मानो 50,000 का प्रीमियम दोगे तो आपको कवरेज मिलेगी, अलग अलग प्लान में अलग अलग होती है, मान लो 10 से 20 लाख रुपए की। मान लो अगर आपको 20 लाख रुपए मिल भी गया आपकी फैमिली को आपके जाने के बाद में, अगर आप साल का 50,000 दे रहे हो तो इसका मतलब अच्छा खासा कमा रहे हो, मान लो लाख रुपए महीने का कमा रहे हो, तो क्या उस 20 लाख रुपए में आपकी सारी जो भी फैमिली की प्रॉब्लम है वो सारी सॉल्व हो जाएगी? तो करा क्यों रहे हो ऐसी इंश्योरेंस? बस लालच, कितने साल बाद इतना पैसा मिलेगा? 20 लाख को अगर आपकी फैमिली आपके जाने के बाद में बैंक में रखती है, वहां से कितना इंटरेस्ट आएगा? मान लो 7% भी आ जाता है, 7% कितना होता है? 1,40,000, 20 लाख पे महीने का कितना हुआ? 12,000 रुपये महीना। चलो 1 लाख भी हटा देते हैं, अगर आपकी सैलरी 50,000 थी तो क्या 12,000 रुपये महीना बहुत है आपके लिए, आपकी वाइफ के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके मदर फादर के लिए, सबके लिए बहुत है? बिल्कुल। तो फिर ऐसी इंश्योरेंस हम क्यों कराते हैं? क्योंकि हम इन चीजों में कभी दिमाग ही नहीं लगाते हैं, कोई और हमारे लिए दिमाग लगा रहा होता है, कोई एजेंट या फिर बैंक वाले फोर्स कर रहे होते हैं। आजकल ये नया ट्रेंड चल गया है कि आपके बैंक अकाउंट में थोड़ा सा भी पैसा पड़ा होगा तो बैंक से फोन आ जाएगा। हो रहा है ऐसा है, नहीं हो रहा है कि क्यों रखा हुआ है, ये करा लो ना, वो करा लो ना। अब वो क्या करवाने को बोलेंगे आपको, जिसमें आपका फायदा है, जिसमें उनका फायदा है?
इस बेसिक सी चीज को समझ लो। तो टर्म इंश्योरेंस के लिए आपको कोई नहीं बोलने वाला, उल्टा अगर आप बोलोगे तो वो लोग मना ही करेंगे, आपको कहेंगे इसमें मिलना तो है नहीं, फायदा क्या है। अब टर्म इंश्योरेंस का फायदा समझो, यहां पे आपने एंडोमेंट में यूलिप में कितना दिया, 50,000 साल का, और मिला कितना कवर, कितने का है, 20,00,000 का मैक्सिमम। कई कई केसेस ऐसे भी हैं जहां पे 50,000 आपने दिया और 10,00,000 का कवर है, 10,00,000 रुपए कुछ भी नहीं है अगर कुछ आपको हो जाता है तो। अब वहां पर क्या है, 10,000 रुपए आप देते हो साल का और कवर कितना है, 1 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली, डिपेंड्स अपॉन द एज, बट 1 करोड़ का आपको कवर मिला। 10,000 रुपए आपने साल का दिया, 1 करोड़ अगर उन्होंने बैंक में भी रखा कितना आया, 7,00,000 रुपए साल का आया, महीने का कितना हुआ, अराउंड 60,000, बहुत है। अगर आप 50,000 रुपए कमा रहे हो, बल्कि 10,000 ज्यादा दे दिया, अगर आप मैं वही बोलने ही वाला था कि अगर आप जरूरत से ज्यादा लड़ते हो घर में तो आपके घर वाले खुश होंगे, चलो एक काम तो अच्छा किया जिंदगी में। तो अगर आपका बजट 50,000 का है इंश्योरेंस कराने का, तो 10,000 आपने कराई टर्म इंश्योरेंस बिना यह सोचे कि मेरे को वापस कितना मिलेगा, क्योंकि वापस मिलने के लिए इंश्योरेंस नहीं है, इंश्योरेंस है लाइफ कवरेज के लिए। टर्म इंश्योरेंस मतलब क्या, कि आप उतना ही पैसा दे रहे हो जितने का आपको लाइफ कवर चाहिए, सिंपल। मान लो आप 1,00,000 रुपए महीने का कमा रहे हो तो आपको कितने की पॉलिसी चाहिए, 2 करोड़, 2 करोड़ की, 2 करोड़ के लिए कितने का प्रीमियम जाएगा साल का, 20,000 रुपए, बस। इससे ऊपर 1 रुपए भी देना इलॉजिकल है, इसको बोलते हैं पैसे को बचाना। और वैसे अगर आपको 2 करोड़ की कवर चाहिए एंडोमेंट पॉलिसी में, तो कितने का प्रीमियम देना पड़ेगा साल का, 10 से 20,00,000 रुपए साल का आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, मतलब जितना कमा रहे हो उससे ज्यादा देना पड़ेगा। समझ गए क्या हो रहा है, जो कमा रहे हो वो सारा इंश्योरेंस में ही जाएगा, तब जाकर के एक ढंग का कवर मिलेगा आपको। जब मैंने भी अपने घर में बात करी टर्म इंश्योरेंस कराने की अपनी, तो उन्होंने सबसे पहली चीज यही पूछी मेरे जो फादर है, कि ठीक है ये तो समझ आता है कि इतना पैसा जा रहा है, 20 साल बाद कितना मिलेगा। मैं कुछ नहीं मिलेगा, मैं कहा हाँ अगर कुछ हो गया तो मिलेगा, कहता अरे नहीं नहीं बेटा ये क्या बात, मैं कहा इसीलिए होती है इंश्योरेंस पॉलिसी, मिलेगा। इस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा कवर ले सकते हैं।